सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कंट्री के जॉब के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली इजराइल कंट्री का जॉब आ चुका है। तो जो भी मेरा भाई इजराइल कंट्री जाना चाहता है, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इजराइल कंट्री का बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और भारी संख्या में आदमियों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भाई तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। सो दोस्तों, फाइनली वो डेट आ चुका है। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी अपने जॉब को अप्लाई करें, किसी भी लोकल कंसल्टेंसी या एजेंट के द्वारा मत करें, वरना आपका पैसा और पासपोर्ट दोनों हाथ से जा सकता है दोस्तों, और आपको एक भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो सो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, कौन सा पोजिशन होने वाला है और कहाँ इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो फाइनली आइए जान लेते हैं। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर एक रिक्वायरमेंट शो होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रिक्वायरमेंट फॉर रोम एंड इजराइल। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है इजराइल कंट्री, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं हम पोजीशन की। सबसे पहला जो पोजीशन है, क्लीनिंग वर्कर है, 600 नग चाहिए। तो जो भी मेरा भाई क्लीनर हो, क्लीनिंग में जाना चाहता हो, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट फॉर वोमेन विल बी वर्क एट क्लीनिंग मेड्स इन होटल क्लीनिंग हॉस्पिटल हाई टेक्निकल ऑफिसर मैन विल बी वर्क क्लीनिंग पब्लिक एरिया इन द होटल्स। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद है असिस्टेंट कुक वेटर वेटर्स मेल फीमेल 100 नग चाहिए इनको। उसके बाद है वॉश डिश हाउस कीपिंग वर्क इन किचन हाउस ऑलराउंडर मेंटेनेंस टेक्नीशियन 100 नग चाहिए इनको। उसके बाद है सिविल इंजीनियर 20 नग गुड इन द स्किल। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कलर पासपोर्ट कॉपी एंड फोटोग्राफ्स विल बी बैकग्राउंड कंपलसरी अलोंग विथ CVS। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्ट। आइए बात कर लेते हैं ऑफिस के बारे में। तो ऑफिस का नाम होने वाला है रीम मैन पावर कंसुलेंट, बेहतरीन ऑफिस, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफिस रजिस्टर्ड है, भारत गवर्नमेंट के तरफ से मान्यता इनको इस काम के लिए प्राप्त है। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कीजिएगा। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर इनका एड्रेस मोबाइल नंबर है, आप अपना CV मेल कर सकते हैं, जाकर के डायरेक्ट ऑफिस विजिट करके भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, दूसरा रिक्वायरमेंट भी है इजराइल एंड रोमानिया के लिए। तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन सा पोजीशन है। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर एक रिक्वायरमेंट शो होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर ए लेडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन रोमानिया। तो जो भी मेरा भाई रोमानिया जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस है। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है, गल्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसके पास भी गल्फ एक्सपीरियंस हो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बात करें अगर हम पोजीशन की, तो सबसे पहला जो पोजीशन है सुपरवाइजर है, पाइप सुपरवाइजर डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसके बाद है पाइप फैब्रिकेटर, उनके पास ITI होना चाहिए। उसके बाद है 6 CGTIG ARC बिल्डर SSCS कैंडिडेट मस्ट हैव कैन नाउ रीड इनोमेस्टिक ड्राइंग एंड कैंडिडेट मस्ट हैव बी सबमिटली क्वालिफाई विथ 5 to 10 years गल्फ एक्सपीरियंस रिफाइनरी ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल। एज का जो मेंशन है इसमें 42 साल है। तो जो भी मेरा भाई 42 साल के नीचे वाले एज हैं अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम ऑफिस की, तो ऑफिस का नाम होने वाला है एशिया पावर। तो जो भी मेरा भाई एशिया पावर में जाकर के अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर लीजिएगा। इसका इंटरव्यू मुंबई चेन्नई दिल्ली कोची ऑफिस बड़ोदरा ऑफिस में होने वाला है। तो जो भी मेरा भाई इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अगला रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि इजराइल कंट्री के है। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर एक रिक्वायरमेंट शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर ए लेडिंग कंपनी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इजराइल। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है, सबसे बेहतर है कि आप ऑफिस में विजिट करके अपना CV सबमिट करवा लें। शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस है, गल्फ एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए। बात करें अगर हम पोजीशन की, तो सबसे पहला जो पोजीशन है 6 CGTIG ARC बिल्डर SSCS। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद है पाइप फैब्रिकेटर फीटर ITI आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद है असिस्टेंट पाइप फैब्रिकेटर, ITI होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है असिस्टेंट पाइप फैब्रिकेटर। तो जो भी मेरा भाई जाने के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट है बोर्ड। सो दोस्तों, आपके पास 6 से 10 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जिसके पास भी है जाकर के अप्लाई कीजिएगा। शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM to 6 PM तक, मंडे टू सैटरडे। जाकर के ऑफिस विजिट करके अपना CV शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं। बात करें अगर हम ऑफिस के बारे में, तो ऑफिस का नाम एशिया पावर है। इसका इंटरव्यू होने वाला है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोचीन, बड़ोदरा ऑफिस। तो जो भी आपके सिटी से नियर बाई सिटी पड़ता हो, जाकर के अप्लाई कीजिएगा। ऑफिस बेहतरीन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस जॉब की तलाश है और किस कंट्री जाना चाहते हैं, और मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बता सकूंगा कि कौन सा ऑफिस रजिस्टर्ड है और कौन सा ऑफिस रजिस्टर्ड नहीं है। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।